सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कुंज में स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। मैं इसी कड़ी में आप लोगों के लिए 12 अप्रैल की जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं उसको सामने आप लोगों के लेकर आया हूँ। मैं डेली इस करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखा कीजिए जिससे कि आगे वाली भी एग्जाम में जो भी है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। फीफा रैंकिंग की बात कर रहा है। फीफा, मैं पहले बता दूं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रख लीजिएगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, याद रख लीजिएगा। इसकी एस्टेब्लिश कब किया गया था ये भी याद रख लीजिएगा। इसका एस्टेब्लिश जो किया गया था 1904 में किया गया था। अभी पूछा जा सकता है कि इसके फिलहाल में अभी अध्यक्ष कौन है, तो जेनी इंटेनिया है जो फिलहाल में इसके अध्यक्ष है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जुरैक में है, ये भी याद रख लीजिएगा। जुरैक में, जुरैक कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो वो बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में कौन सा है प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये भी कह सकते हैं दूसरा स्थान कौन है, तो फ्रांस रहा, और तीसरा स्थान के कौन पर रहा, तो ब्राज़ील रहा। तो ये जो तीनों है आप लोगों को कड़ी में, इस कड़ी में याद रखना आवश्यक हो जाता है। और भारत को बता दो कि भारत हमेशा 100 से बाहर ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 15 अप्रैल को होने वाली G20 बैठक में कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा। देखिए भारतीय देश चाहे कोई भी देश जो है अभी फिलहाल में कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी झेल रहा है, इसी कड़ी में G20 की जो बैठक होने वाली है इसी पर अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 अप्रैल को ये चर्चा होने वाली है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उस दिन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन दिया है कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, तो हमारे वित्त मंत्री जो हैं सीतारमण जी हैं और RBI गवर्नर जो हैं अमर शक्तिकांत दास हैं, ये दोनों लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेटों के सभी देश के जो वित्त मंत्री हैं या अर्थव्यवस्था संबंधी जो भी लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और उस पर चर्चा किया जाएगा, इस पर कैसे निपटा जाए और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो कोरोना की वजह से किस देश ने अनौपचारिक रूप से काम करने वाले 40 करोड़ लोगों को गरीबी में फंस सकते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि 40 करोड़ लोग उसमें गरीबी में फंस सकते हैं। तो देखिए 40 करोड़ लोग भारत में ही हो सकते हैं, जैसे और या तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की उतनी आबादी ही नहीं है, अमेरिका के लोग हो सकते हैं, इटली के लोग हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सभी देशों को तो देखने को तो मिलेगा जरूरी, ठीक है। लेकिन भारत की बात कर रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो बात कर रहा है। एक रिपोर्ट आई थी 7 अप्रैल के दिन आई थी, ठीक है, उसमें बताया गया था कि भारत के 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं कोरोना की बात से, ठीक है। नहीं, ये कोरोना होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने डीजी जेन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पूछ रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने डीजी जेन डिजिटल नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा क्या किया गया, डीजी जेन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब ये भी पूछ सकता है कि डीजी जेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जन स्मॉल फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसकी स्टेब्लिश कब किया गया था, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2006 में किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि इसके अभी फिलहाल में अध्यक्ष कौन है, तो अजय कंवर जी जो हैं वो फिलहाल में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा वेंटिलेटर, मास्क, टेस्ट किट आदि बनाने वाली कंपनी को GST आदि टैक्स को कब हटा दिया गया, कब तक हटा दिया गया है। देखिए अभी भारतीय देश कोरोना से लड़ रहा है, इसको देखते हुए जितनी भी कंपनियां हैं सबको टैक्स देने में तो सक्षम है नहीं, और इसी कड़ी में भारत की जो वेंटिलेटर और मास्क, टेस्ट किट आदि बनाने वाली जो भी है उसको, मेडिकल इक्विपमेंट जो भी बनाने वाली है उस पर टैक्स भारत सरकार जो है उस पर हटा लिया है, क्योंकि अगर वो टैक्स पे करने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो उतने चीज़ को उत्पादन नहीं कर पाएंगे और भारत में उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इसी कड़ी में भारत ने अभी क्या कर दिया है, 30 सितंबर तक क्या कर दिया है, टेस्ट जो GST आदि टैक्स हैं उसको हटा लिया है, जो भी वेंटिलेटर मास्क आदि कंपनी बनाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, महिलाओं के अत्याचार हेतु देखने के लिए देखिए एक मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि
ये कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अब ये पूछा जा सकता है कि कब से मनाया जाता है, तो 2013 से ये मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके नाम पर मनाया जाता है, तो गांधी जी की जो पत्नी थी उनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफिको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी की CEO MD किसे नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि जो इफिको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके CEO MD किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अनामिका राय राष्ट्रवर जो है उनको ही नियुक्त किया गया है CEO MD के रूप में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ICICI लेबार्ड और गो डिजिट के साथ COVID-19 केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की है। इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पूछा सकता है कि फ्लिपकार्ट को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2007 में किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। अभी फिलहाल में इसके अध्यक्ष और CEO MD कौन है, तो कल्याण कृष्णामूर्ति जी जो हैं वो अभी फिलहाल में फ्लिपकार्ट के अध्यक्ष हैं, ठीक है, CEO MD है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से किसे नामित किया गया है। अभी देखिए फिलहाल में अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप है किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है अभी, लेकिन उसके विरुद्ध अभी डेमोक्रेटिकन पार्टी से जो अभी उनके विरुद्ध में थे लड़ने वाले थे वो कौन थे, वर्नी सैंडर्स थे, लेकिन उनको अभी नहीं चुना गया है, बल्कि उनके जगह पे किसे चुना गया है, जो ब्रिडेन जो है उनके खिलाफ लड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे। रेस में तो काफ़ी आगे वर्नी सैंडर्स थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, और जो ब्रिडेन है जो इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं, और जहाँ तक उम्मीद है यही जीत भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कोरोना वायरस के दौरान घरेलू हिंसा को देखते हुए किसने व्हाट्सएप नंबर 7217735372 को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया। देखिए लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में घरेलू हिंसा देखने को मिल रही है, ठीक है ना, तो इसके वजह से जो महिला है वो बाहर जाके अभी केस वगैरह भी FIR दर्ज भी नहीं करा सकती, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है कई राज्यों में, कई पूरे लगभग पूरे देश में नहीं है, इसके वजह से घरेलू हिंसा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इसके वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसके वजह से अगर कोई घरेलू हिंसा होता है तो तुरंत इस कॉल पर करने के बाद से उनके यहाँ महिलाओं की एक टीम पहुंचेगी, जिसके उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये भी पूछा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फिलहाल में अभी अध्यक्ष कौन है, तो इस अभी फिलहाल में कौन है, रेखा शर्मा जी, याद रख लीजिएगा रेखा शर्मा। अभी ये भी पूछा सकते हैं इनको कब बनाया गया था, रेखा शर्मा जी को तो 2018 में बनाया गया था। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, इसको सबसे पहली बार कब लेकर आया गया था, तो याद रखिएगा 1990 एक्ट के तहत, 1990 एक्ट के तहत 1992 में लेकर आया गया था, 1990 एक्ट के तहत 1992 में लेकर आया गया था। इसकी पहली भी पूछा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पहली कौन थी, तो जयंती पटनायक थी, वो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है। पूछ रहा है 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है, 2 शहर, 5 शहर, 7 शहर, 14 शहर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 शहर। भारत के जो विश्व के 20 प्रदूषित शहर उसमें भारत के मात्र 2 शहर शामिल किए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहने का मतलब है कि जितने भी कम रहेंगे उतनी ही अच्छी बात है। देखिए पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी, वो कितने शहर भारत के 14 शहर शामिल थे, लेकिन इस बार मात्र 2 शहर शामिल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो कल खाने फैक्ट्री वगैरह हैं वो बंद पड़े हुए हैं, इसके वजह से क्या हुआ है, वो बंद हमारे मात्र 2 शहर ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए हम आप लोगों के कुछ क्वेश्चन नोट्स के रूप में भी लेकर आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने FCI से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दे दी है। देखिए जो भी हमारे लॉकडाउन है उसके लिए FCI से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति जनरली तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उसको देखते हुए क्या किया है, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट NGO को अनुमति दे दी है। पहले तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही इसको खरीद सकता था, लेकिन अभी फिलहाल में क्या किया गया है, NGO को भी अनुमति दे दी गई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गजल गायिका शांति हीरानंद का निधन हो गया है, ठीक है ना। अभी मैं बता दूं कि पद्मश्री सम्मानित गजल गायिका जो हीरानंद है उनको निधन हो गया। यही पूछ सकता है कि जो शांति, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो गजल गायिका थी शांति हीरानंद, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 2007 में याद रख लीजिएगा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्चुअल ब्रेड कीबोर्ड को लॉन्च करने की घोषणा गूगल ने की है। देखिए जो वर्चुअल ब्रेड कीबोर्ड है उसको लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, अभी गूगल के द्वारा की गई है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये भी पूछा सकते हैं क्यों लॉन्च किया गया, तो ये भी जो भी लोग उनका आंखों से कम दिखाई देता है या उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड के लॉन्च किया करने की घोषणा की गई है गूगल के द्वारा। तो देखिए इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 12 तारीख से, मैं इसमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। मैं बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, एक दो क्वेश्चन बाय द वे अगर छूट जाते हैं तो मैं उसको अगली वीडियोस में प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग भी कंटिन्यू नहीं है उन लोग कंटिन्यू हो जाइए और वीडियोस को डेली देखा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज हो और आने वाले पेपर्स में आप लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो प्लीज़ जो लोग भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, उसके बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।